स्टूडेंट्स, पहले हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ ग्लोब. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉन्गिट्यूड. व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड्स? सो सी दिस डायग्राम हियर. द लॉन्ग लॉन्ग लाइन इज नोन एज लॉन्गिट्यूड. इट्स वेरी सिंपल टू लर्न टू रिमाइंड दैट व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड विच लाइन इज नोन एज द लैटिट्यूड. सो सी दिस, ये जो लॉन्ग लॉन्ग लाइनें हैं, ये लंबी लंबी लाइनें नोन एज द लॉन्गिट्यूड. And what is latitude? Let me show here. See this lines. ये जो लाइनें हैं, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, उसे लैटिट्यूड कहते हैं. इट्स वेरी सिंपल टू रिमाइंड दिस थिंग कि कौन सी लैटिट्यूड है, कौन सी लॉन्गिट्यूड है. तो जो लेटी हुई लाइनें हैं वो लैटिट्यूड, और जो लॉन्ग लॉन्ग लाइनें हैं दैट इज लॉन्गिट्यूड. द लाइन्स जॉइनिंग द नॉर्थ पोल. द लाइन्स जॉइनिंग द नॉर्थ पोल, सी joining the north pole and the south pole are called the lines of longitude. North pole and the south pole are known as longitude. Longitude is also called the meridian. Okay, longitude ke through hum ye jaan sakte ki hum kahan pe khade hain, hamara jo location hai hum kahan par hai. Latitude aur longitude ke through hum apna sthan world mein hum kahan khade, kitne degree pe khade usko jaan sakte hain. So keh sakte ki longitude is the number of degree east or west of the prime meridian which passes through Greenwich, England. माने जब हमको एक जीरो डिग्री करना था, तो उस जीरो डिग्री के लिए हमने प्राइम मेरिडियन रखा जो कि ग्रीनविच में स्टेबल है. उसके थ्रू जो है हम वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं. लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर से मेजर्ड हम करते हैं. दीज लाइंस डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू सेगमेंट्स. अलग अलग सेगमेंट्स में उन्होंने हमको वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को जो है इन लाइंस ने जो है डिवाइड किया है. द प्राइम मेरिडियन जीरो डिग्री एंड द 180 मेरिडियन इज ग्रेट सर्कल. ओके, इज ग्रेट सर्कल दैट डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. लेट्स सी हाउ. सी दिस, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, इट्स अ इंटरनेशनल डेट लाइन. सो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन. और हियर ये जीरो डिग्री, ये ग्रीनविच लाइन है ना. सी दिस, ये ग्रीनविच लाइन है, और ये पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करती है. दिस, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जो हमारा इस साइड जो पार्ट पड़ेगा वो है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर. कौन सा पार्ट? जो कि ग्रीनविच लाइन के इस साइड जो भी पार्ट पड़ता है हमारा, जो हमारा जीरो डिग्री के 180 डिग्री के आसपास पड़ता है, सारा हमारा ईस्ट वेस्टर्न पार्ट, और हेयर ईस्टर्न पार्ट. लाइक लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की तरह लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री. जो लैटिट्यूड है इनकी तरह जो लॉन्गिट्यूड है उन्हें भी हम डिग्री में काउंट करते हैं, डिग्रीज में काउंट करते हैं, इन मिनट्स एंड सेकेंड्स. स्टूडेंट, सबसे पहले कि प्राइम मेरिडियन क्या है वो आपको मैं फिर से बता देती हूँ. मेरे पिछले वीडियो में प्राइम मेरिडियन के बारे में मैंने आपको बताया था. तो प्राइम मेरिडियन क्या है? द प्राइम मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच. ग्रीनविच से पास होती है, सी दिस साइड, ग्रीनविच से पास होती है नियर लंदन. यहाँ पे आप देखिए हमारा, यस, इधर से ये हमारे यहाँ से पास होती है नियर लंदन से, हमारी ये पास होती है. आपको दिख रहा होगा ये प्राइम मेरिडियन हमारा है, और इट इज़ टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट. हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, और इट्स मेरिडियन इज मेजर्ड, इसको हम जीरो डिग्री मेजर्ड करते हैं, है ना. इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन. मीन्स कि ये जो प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच से चलती है, जो कि लंदन के नियर में होती है, ये हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री मानते हैं. इससे फिर हम काउंट करेंगे 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट काउंट करेंगे. सो यहाँ से प्राइम मेरिडियन से जो है 180 डिग्री जो ईस्ट जाता है वो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 180 डिग्री वेस्ट जो जाता है वो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रिड के बारे में, कि व्हाट इज़ ग्रिड. एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे जो लैटिट्यूड लाइंस है, ये जो लेटी हुई लाइन है लैटिट्यूड लाइंस, और जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, ये एक प्रकार का नेटवर्क बनाती हैं हमारे ग्लोब पे. एक नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, दिख रहा होगा आपको, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन इस पर इंटरसेक्ट हो रही है, इस तरह से पूरे उसमें इंटरसेक्ट करती है, और एक राइट एंगल, हर उसमें एक राइट एंगल बन जाता है.
तो ये जो नेटवर्क बन रहा है इसको हम बोलते हैं ग्रिड। अब जो है इस ग्रिड के द्वारा, ये जो ग्रिड बन रहा है, इस ग्रिड में जो लॉन्गिट्यूड और जो लेटीट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड और जो लेटीट्यूड्स है, इनका जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से हम जो है अर्थ पे कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, उसका एक्यूरेट लोकेशन हम निकाल सकते हैं। ये जो पैरेलल्स हैं, जो ये पैरेलल्स हैं, ये पैरेलल्स जो हैं हमें लोकेट इसके द्वारा जो हम लोकेट कर सकते हैं प्लेस को, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, है ना। इक्वेटर का ये जो हमारा इक्वेटर जो है, ये जो इक्वेटर दिखाई दे रही है, ये इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ के प्लेस को हम उससे लोकेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अगर हम बात करें कि मेरिडियन जो है ना, ये जो मेरिडियन है, ये सब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मेरिडियंस जो हैं, मेरिडियन से हम जो हैं इसी तरह से जो ईस्ट और वेस्ट का जो है प्राइम मेरिडियन हम देख सकते हैं। अब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, है ना, इन लाइंस पे जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स हो रहा है उसके द्वारा हम एक बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज इट कि हमको हरिद्वार के बारे में पता करना है, जो उत्तराखंड में जो हरिद्वार है, ठीक है। सो हरिद्वार जो है वो लोकेट होता है 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और सी हियर 78 डिग्री, यहाँ पे 78 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब इसके बीच में हमारा उत्तराखंड है जहाँ पे हरिद्वार है हमारा। हरिद्वार का एक्यूरेट लोकेशन ये है। अब हमको पढ़ना है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन मेजरिंग टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि लॉन्गिट्यूड किस तरह से हेल्प करता है हमें पूरे वर्ल्ड के टाइम को मेजर करने में, उसको नापने में, उसको पता करने में। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि हमारा अर्थ कैसे रोटेट करता है। हमारा अर्थ ऐसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट जाता है, जैसे ये ऐसे मूव करता है, और एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करने में इट विल टेक 24 आवर्स। और ये रोटेशन जो है वो कितना रोटेशन होता है, 360 डिग्री, जो हम प्राइम मेरिडियन से जो है, प्राइम मेरिडियन से अगर हम इसको काउंट करते हैं तो प्राइम मेरिडियन से जो है वो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट होता है, माने टोटल 360 डिग्री जो है इसका मूवमेंट होता है। 360 डिग्री मूवमेंट जो इसका होता है वो 24 आवर्स में होता है। तो अब हमको ये देखना है कि 24 आवर में इतना होता है तो 1 आवर में कितना होता है और कितने डिग्री मूव करता है और 1 डिग्री कितने में मूव करता है, इसको एक हम सिंपल फार्मूले से समझेंगे। जैसे कि मान लो इन्होंने हमको क्या बताया कि 360 जो डिग्री है, 360 डिग्री जो है हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है ना, हमारा अर्थ 360 डिग्री मूव कर रहा है, ठीक है। कितने में? 24 आवर में। कितना लेता है? 24 आवर लेता है, ठीक है, और 360 डिग्री है तो 24 ओके। सो हमारा 1 आवर में, अगर हम बात करते हैं कि 1 आवर में, इसको हम एक अलग तरीके से समझते हैं, जस्ट अ मिनट। सो 24 15 में जी जाएगा। सो इस तरह से यस, कि 1 आवर में ये कितना मूव कर रहा है, 15 डिग्री मूव कर रहा है ना। कितना मूव कर रहा है? 15 डिग्रीज का 1 आवर में मूव हो रहा है, माने 24 आवर में 360 डिग्री घूम जाता तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 15 डिग्री घूमेगा। सो ये जो घूम रहा है वो एक घंटे में 15 डिग्री मूव इसका हो रहा है। तो अगर ये 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, चलिए इसको भी हम देखते हैं। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट 1 आवर में, ठीक है, और कितना घूम रहा है, 15 डिग्री घूम रहा है, ओके, घूम रहा है 15 डिग्री। सो 15 × 15 = 60। सो 1 घंटे में वो सॉरी 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री मूव करने वो कितना ले रहा है, 4 मिनट ले रहा है, वो कितना ले रहा है। सो जो हमारा अर्थ जो है, हमारा अर्थ जो है ये 15 डिग्री जो घूम रहा है ना, ये 15 डिग्री जो इसका घूम रहा है, अगर हम 1 डिग्री केवल घूमने की बात करते, केवल 1 डिग्री घूमने की हम बात करते, वो 1 डिग्री जो है 4 मिनट में मूव करता है। जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ रोटेट होता है कैसे, वेस्ट टू
ईस्ट रोटेट हो रहा है ना, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, वो ऐसे मूव करता है अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे वो जो है अपने एक्सिस पे वो रोटेट इस तरह से हो रहा है। तो जो पार्ट उसका सन के सामने आता है, अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आ रहा है, वो तो हमारा क्या हो रहा है, वहाँ पे सनराइज हो जाता है, वहाँ पे मॉर्निंग हो जाती है, मींस कि वहाँ पे सुबह हो जाती है, उस जगह पे लाइट हो जाता है। और जो पार्ट सन के अपोजिट डायरेक्शन में है वो हमारा डार्क पोर्शन और डार्कनेस हो जाती है वहाँ पे, और सन वाली साइड में जो है लाइट हो जाता है। इस तरह से ये पोर्शन जो है वो डे हो जाता है, यह डे वाला पोर्शन है, यहाँ पे दिन हो गया है, और जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे सन लाइट नहीं है, वो हमारा नाइट वाला पोर्शन हो जाता है। पूरे वर्ल्ड में एक साथ जो है सनराइज नहीं हो सकता है। अगर हम चाहें कि वही एक साथ सब जगह सनराइज हो जाए, सब जगह सूर्य की रोशनी दिखे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ जब रोटेट होता है, अर्थ जब मूव करता है, तो जो पोर्शन सन के सामने पड़ता है वहाँ पे सनराइज होता है। सन का जो मूवमेंट होता है, 1 डिग्री मूवमेंट करने के लिए 4 मिनट लगता है। इस तरह से वो मूवमेंट करते करते जब वो 24 आवर्स पूरा करता है तो सन के सामने पहुँचता है, तो हर पार्ट जो 24 आवर्स के बाद वहाँ पे सनराइज होता है। और यही रोटेशन से हम बता सकते हैं कि जब अगर मान लो ग्रीन बीच पे जो है मान लो कि मिड डे हो रहा है, तो इंडिया में उस टाइम क्या होगा, उस टाइम इवनिंग होगी। तो इस तरह से ये शेड्यूल जो है, टाइम शेड्यूल जो है अर्थ के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ जैसे जैसे मूव करेगा उस हिसाब से वो उतने डिग्री मूव करेगा और उतना उस प्लेस पे वो वाला टाइम होगा। सपोज़र कि अगर मान लो यहाँ पे इवनिंग है तो दूसरे प्लेस पे मिड डे होगा, तीसरे पे मॉर्निंग होगा। अब बात होती है कि लोकल टाइम क्या होता है। सो लोकल टाइम जो है द टाइम ऑफ प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द लोकल टाइम। अब हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। किसी भी जगह का टाइम जो होता है वो लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं तो उस प्लेस का टाइम जो है वो लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो मैनी लॉन्गिट्यूड्स जो है वो पास होती हैं कंट्री से, और चूँकि प्लेस जो लॉन्गिट्यूड है वो डिफरेंट लोग, हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना एक डिफरेंट टाइम होता है। सो इससे कंट्रीज विल हैव मोर देन वन लोकल टाइम। एक कंट्री जो ईच कंट्री है विल हैव मोर देन वन लोकल टाइम। हर एक कंट्री का अपना एक से ज़्यादा कहीं लोकल टाइम होता है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल इन इंडिया द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स आर सम 2000 किलोमीटर अपार्ट। जो कंट्री का हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ओके, इन इंडिया जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट में जो डिस्टेंस है वो है 2000 किलोमीटर का, है ना। इसमें जो दूरी है वेस्टर्न पार्ट से यहाँ तक जो है 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके कारण जो है द्वारका जो है गुजरात का, उसमें और जो डिब्रूगढ़ आसाम का है, इन सब में जो डिफरेंस आता है 1 आवर 45 मिनट का आ जाता है। तो इस तरह से जो है सो गुजरात द्वारका से और डिब्रूगढ़ में 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस है, और गुजरात टू अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो उसमें 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। कितने का जाता है, 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से जो है लोकल, अगर हम बोले कि एक कंट्री का भी लोकल टाइम अलग अलग हो जाता है, उसका रिजल्ट है कि हम अगर अपने कंप्यूटर सेट का टाइम चेंज करें, हम रेलवे का टाइम सेट करने में, हमें टीवी का टाइम सेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कि इन सब का टाइम जो है कहीं ना कहीं डिफर हो जाता है, कहीं ना कहीं इन सब के टाइम में डिफरेंस आ जाता है। तो अब उसके लिए करना क्या था कि हमें कुछ एक ऐसा स्टैंडर्ड टाइम रखना था जो कि सब जगह उसी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सब जगह जो है एक सा टाइम मेज़र किया जाए। ने फिर एक टाइम मेरिडियन जो है अडॉप्ट किया, टाइम ऑफ द मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंटर एज देयर स्टैंडर्ड टाइम, उसको स्टैंडर्ड टाइम के रूप में माना गया। अब उसके लिए क्या क्या गया हमारे कंट्री में, फिर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम लैगिंग हो रहा था, तो इसको स्पेशली ध्यान रखते हुए टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसमें 82 डिग्री और 30 मिनट जो है वो इन्होंने जो देख रहे हैं आप, 82 डिग्री 30 मिनट जो है ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, है ना, मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश से जो पासिंग हो रहा है, इस टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में लिया गया, जो लॉन्ग लाइन को हम बोलते हैं। तो ये जो है हमारे जो है यहाँ 82 डिग्री एंड 30 मिनट जो है
इसको लिया गया जो कि मिर्जापुर से पास हो रही थी। इसको एक स्टैंडर्ड टाइम के रूप में, स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में माना गया, और इसी के हिसाब से होल कंट्री का टाइम जो है फिक्स होता है। इसी को हम बोलते हैं आईएसटी, माने कि एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री जो है वो फॉलो करती है उस टाइम को, जो स्टैंडर्ड टाइम जो हमने बोला मिर्जापुर से गुजरती है उसके हिसाब से हमने टाइम जो सेट किया, वो हमारा पूरा एंटायर कंट्री जो है वही टाइम फॉलो होता है। उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। इस क्लिप में हमने कंप्लीट किया है लैटिट्यूड, ग्रेट, लॉन्गिट्यूड, हेल्प इन मेजरिंग टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्टैंडर्ड टाइम। सो इस तरह से ये आपका टोटली सारे कंटेंट्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।